सो मैं बेसिकली आज आया हूँ राधानगर बीच। देखो कैसे पोज दे रहा है, उसको मालूम भी नहीं है मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैडम को देखो अभी ये किसमें खड़ा है, इसमें खड़ा होकर वो क्या दिखाता है, मेरा हाइट दिखाता है अभी। सो हम लोगों को अभी क्रॉस करना पड़ेगा एक बॉर्डर, नीचे से जैसे ताड़ों के नीचे से बजरंगी भाई जान गया था। रहता है वो भैया बेसिकली मुझको लाया है एंड इसका नाम है मिस्टर ड्रू। तो मेरा घर में आज आया मिस्टर ड्रू पहला बार, ये देखो। मतलब इसको भीगना है, सबसे पहले इसको भीगना है, उसके बाद बाकी सब। से अंडमान में ऐसा शेडेड घर बनाया जाता है ताकि जब बारिश हो वो पानी यहाँ से, हम लोग जैसे अभी स्टोर कर रहे हैं ऐसे सारा घर में ऐसे ही पानी को स्टोर किया जाता है। फ्रेश पानी का बहुत ही शॉर्टेज होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर घर में ऐसा ही सिस्टम बनाया जाता है कि ऐसे ही पानी स्टोर होता है। देखो यहाँ पर हम लोग का घर में भी स्टोर हो रहा है और वहाँ पे भी एक स्टोर हो रहा है। देखो सारा घर में बेसिकली ऐसे ही स्टोर होता है, इसको आप पी भी सकते हो। और ये ऐसा नहीं कि ये कचरा रहता है ऊपर में, थोड़ा सा जब पानी गिरता है ऊपर से तो वो टाइम में ही थोड़ा सा गंदा रहता है, थोड़ा सा पानी गिर जाएगा मतलब 5 मिनट, उसके बाद पूरा क्लीन वाटर एकदम फ्रेश क्लीन आप पी भी सकते हो इसको। देखो इसका कांड, देखो छुट्टी लेके क्या कर रहा है। देखो तो आज मैं सोचा कि ब्लॉग थोड़ा सा अनोखा तरीके से शुरू किया जाए, इसलिए मैं एक अनोखा जगह में आया जहां से ब्लॉग शुरू करने में भी मज़ा आएगा, आप लोगों को देखने में भी मज़ा आएगा। सो मैं बेसिकली आज आया हूं राधानगर बीच। सिर्फ मैं अकेला नहीं, मेरे साथ और एक मेंबर है बीवी, वो देखो बैठा है। आज बेसिकली उसका छुट्टी है तो वो भी मेरे को बोला कि चलो आज कहीं घूमने जाते हैं, और मेरा भी मन था। बेसिकली ये जो पार्ट आप देख रहे हो कोई भी वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में आप नहीं देखोगे कभी भी, क्योंकि ये साइड में ज़्यादातर लोग नहीं आते। यहाँ पे आप आओगे तो थोड़ा बहुत प्राइवेसी आपको मिल जाएगा, और गेस्ट लोग नॉर्मली वो साइड में रहता है, वो साइड में गेस्ट लोग रहता है। और आपको नहाना है अगर फिर भी आपको थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए तो वो कॉर्नर में जाना पड़ेगा जिसको नीलस्कोप कहते हैं। राधानगर का बोल सकते हो पत्थरगंज, ठीक है, एक नाम रख दिया, मैं रख दिया नाम, तो इसको आप बोल सकते हो नॉर्मली पत्थर है तो पत्थरगंज नाम रख दिया है। यहाँ पे आओगे थोड़ा बहुत आपको प्राइवेसी मिल जाएगा, लेकिन आप नहा नहीं सकते क्योंकि इतना सारा पत्थर है यहाँ पे, तो रिस्क है यहाँ पे नहाना। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, योर यूट्यूब चैनल बॉन्ग बाइसेप। सो सिर्फ ये फ्रेम ढूंढने के लिए मैं 5 से 6 बार वीडियो बनाया, वीडियो को डिलीट किया, बनाया डिलीट किया, सिर्फ ये वाला फ्रेम ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। एक अच्छे से मैं शुरू करूँ, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगे। कैसे पोज दे रहा है उसको मालूम भी नहीं है मैं वीडियो बना रहा हूँ करके, खाली फ़ोटो उठाने के लिए खड़ा हो जाएगा पोज देख। मेरे को डेली मन होता है कि कुछ ना कुछ वीडियो बनाऊँ, कोई अनोखा जगह जाऊँ वीडियो बनाऊँ, लेकिन मेरा को कैमरा देख के इतना गुस्सा आता है ना। जब मैं खरीदा था वो टाइम में वीडियो बनाने में प्रॉब्लम नहीं होता था, अभी ऐसा जो पिक्चर क्वालिटी आप देख रहे हो ना ऐसा पिक्चर क्वालिटी आता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से इसका पिक्चर क्वालिटी इतना ख़राब हो जा रहा है ना धीरे धीरे करके, इसका लेंस का फंगस ने और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया इसको। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना देर तक इसको चला पाऊँ मैं उतना देर तक इससे अच्छा वाला वीडियो में निकाल लूँ। देखो हम लोगों को अभी क्रॉस करना पड़ेगा एक बॉर्डर। अभी आप लोग सोचोगे कि इंडियन टेरिटरी के अंदर बॉर्डर कहाँ पे, वो भी एक आइलैंड में। सो बेसिकली मैं जस्ट फॉर फन मैंने बताया कि बॉर्डर एक्चुअली कोई बॉर्डर नहीं है, पेड़ एक गिर गया है, तो ये पेड़ के नीचे से हम लोगों को जाना पड़ेगा। ये देखो पेड़ ऐसा गिरा हुआ है, ठीक है, इसके नीचे से रास्ता है, तो हम लोग अभी चलते हैं इसके नीचे से। जैसे ताड़ों के नीचे से बजरंगी भाई जान गया था, वैसे हम लोगों को पेड़ों के नीचे से हम लोगों को दूसरा जगह में जाना पड़ेगा। उड़ी बाप रे, मेरा पैंट भीग गया भाई, सही में मेरा पैंट भीग गया। आ गयो, देखो हाथ में फोन,
और चल रहा है देखो कैसे। को ये पत्थर देख के क्या लगता है, ये पत्थर यहाँ पे कहाँ से आया, कैसे ये सब पत्थर, कुछ जाना पहचाना मेरे को लगता है आप लोगों को लगेगा। हाँ सही में ये जाना पहचाना ही लगेगा, इसीलिए क्योंकि ये सब जो पत्थर यहाँ पे आप स्टोन जो देख रहे हो, ये सब कुछ लावा से, लावा सूख के ये सब स्टोन बना है, बेसिकली वॉल्केनो फट के ये आइलैंड बना है एक्चुअली। सो इसके अंदर ये जब भी आप खुदाई करोगे, पूरा ये सब बालू वालू हटाओगे, तो ये पत्थर ही आपको मिलेगा नीचे, और कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जितना भी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है उसके बाद ही धीरे 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 करके यहाँ पे बस्ती बसा है। इसके बाद भी आप चल के जा सकते हो वहाँ तक, लेकिन आपका जो चप्पल आप पहनते हो कि या तो जूता पहनते हो, उसको अच्छा खासा ग्रिप होना चाहिए। सो मैं अभी पहना हूँ क्रॉक्स, ये देखो मेरा पैर में। सो ये इसमें स्लिप कर सकता है, क्योंकि उस दिन जब मैं काला पत्थर गया था आपको बताया था कि यहाँ पे अगर आपको चलना है तो एक प्रॉपर शू पहन के चलो, नहीं तो स्लिप कर सकता है। सो यहाँ पे भी सेम, अगर प्रॉपर शू पहन के या तो प्रॉपर ग्रिप वाला चप्पल आप नहीं पहनोगे तो यहाँ पे स्लिप हो सकता है। इस तरफ अभी और नहीं जाएंगे, इस तरफ एक दिन अच्छा खासा चप्पल वप्पल पहन के पूरा एकदम सेट होके ही आएंगे कि जितना दूर तक हम लोग जा सकते हैं हम लोग चल के जाएंगे। तो वीडियो में थोड़ा सा हाइप होना चाहिए, थोड़ा सा वेट करवाना चाहिए ताकि मेरा लाइक भी बढ़े, मेरा सब्सक्राइबर भी बढ़े, ताकि आगे इस साइड जब मैं एक्सप्लोर करूँ आप लोग भी देखने के लिए वेट करो। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको लाइक सब्सक्राइब करके मेरा ऑल वीडियोज जितना है सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। अभी इस पेड़ को क्रॉस करना पड़ेगा दूसरा तरीका से, पहला तो आया इसके नीचे से आ गया, अभी इसका ऊपर से जाना है। और एक चीज़, अभी सनसेट हो रहा है देखो, वहाँ पे कितना सुंदर व्यू आ रहा है देखो सनसेट का, उफ खतरनाक व्यू आ रहा है वहाँ पे। अभी इसका तो पिक्चर क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, अगर अच्छा होता मतलब सोनी वोनी होता तो आपको और भी अच्छा मैं व्यू दे पाता मैं। ना अच्छे से छोटा वाला टाइम लैप्स को आप एंजॉय किया, बेसिकली मेरा फ़ोन का चार्ज एकदम डेड हो गया था फिर भी टाइम लैप्स निकल गया। सो मैं आइडिया भी नहीं किया था कि टाइम लैप्स इतना अच्छे से मेरा फ़ोन में निकल जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा फ़ोन सपोर्ट कर दिया। एक्चुअली मेरा फ़ोन सपोर्टिव है, मैं इतना दिन से नहीं सोचा था कि इस फ़ोन में इतना सारा फीचर्स है, धीरे धीरे करके मेरे को मालूम पड़ा कि फ़ोन में सही में बहुत सारा फीचर्स है, कि गेम खेल सकते हो आप, अच्छा फोटोज़ वीडियोस निकाल सकते हो, या कि 4K तक वीडियो इसमें सपोर्ट हो सकता है, स्टेबिलाइज कैमरा इससे तो फार बेटर है मेरा ये वाला कैमरा से। इसका एक चीज़ अच्छा है कि इसका जो वीडियो आता है बहुत अच्छा आता है, देखा मैं एक सीरियस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, देखा इसका। सो मेरे को अभी यहाँ पे एक चीज़ तो मेरे को करना ही है, मेरे को बहुत दिन से मन था जब मैं यहाँ पे पहला बार आया था कि कैमरा को यहाँ पे रखूँ, इस पेड़ के ऊपर रखूँ, रखते मैं आपके आऊँ यहाँ पे एकदम शाहरुख खान जैसा पोज की तरह पूरा एकदम ऐसे, ये वाला पोज भाई माइंड ब्लोइंग लगता है। इसमें अगर मेरे को उतना अच्छा रील्स बनाना नहीं आता, मेरे को अगर अच्छा रील्स बनाना आता ना तो मैं यहाँ पे कितना खतरनाक वाला रील्स बना देता भाई। सही में मेरे को शाहरुख खान बहुत पसंद है, और मेरे को तो मन है एक बार मैं खुद का दम पे मतलब इतना सब्सक्राइबर हो जाए, जैसे बीवीकी वाइंस का जितना सब्सक्राइबर है वैसा मेरा सब्सक्राइबर हो जाए, मैं उनके साथ एटलीस्ट एक तो वीडियो मैं लाइफ में बनाऊंगा अगर मेरा उतना सब्सक्राइबर हो जाता है। मैं वो जगह तक, मेरे को मेरा ड्रीम है भाई, मेरे को वो जगह तक पहुँचना है, और वो जगह पहुँचाने वाला सिर्फ आप ही लोग हो, आप ही लोग मेरे को पहुँचा सकते हो उसी जगह में। अभी सनसेट हो गया है, सो अभी घर की तरफ जाना ही सही रहेगा। आज इतना अच्छा तो ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाया, लेकिन थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा शॉर्ट्स वगैरह, मतलब थोड़ा बहुत आपको इधर उधर का क्लिप मिल के आपको मिल जाएगा आज का ब्लॉग। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही ब्लॉग है। सो यहाँ पे ही शुरू किया और यहाँ पे ही मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। अगर यहाँ तक ब्लॉग अच्छा लगता है तो ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। कमेंट करने से ज़्यादा ब्लॉग फैलता है, दूसरे के पास जाता है, उसको लगता है यूट्यूब वाले को कि कमेंट कर रहा है मतलब यूट्यूब मतलब वीडियो में कुछ तो है रे भाई, उसको फॉरवर्ड करो दूसरे के पास। सो कमेंट करो, कुछ भी लिखो, गाली लिखो फिर भी लिखो, उसमें कुछ तो लिखो।